नमस्कार, स्वागत है आपका जे जे एन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। प्रदेश में धामी सरकार बनते ही सभी विभाग अब अलर्ट मोड पर आ गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी ने सभी विभागों को भ्रष्टाचार मुक्त करने और उचित कार्य योजना के हिसाब से चलने को सख्त निर्देश दिए हैं। इसी को देखते हुए अब नैनीताल जिले का पूर्ति विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। जानकारी के मुताबिक जिला पूर्ति विभाग ने अब सस्ता गल्ला विक्रेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन राशन वितरण के निर्देश के बाद भी इन सस्ता गल्ला विक्रेता ऑनलाइन राशन न बांटकर ऑफलाइन राशन बांट रहे थे, जिसके चलते पूर्ति विभाग ने हल्द्वानी और लालकुआ के 60 सस्ता गल्ला के दुकानदारों पर बड़ी कार्रवाई की है। इन 60 दुकानदारों में से 21 दुकानों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा 32 दुकानों पर जुर्माना लगाया गया है। पूर्ति विभाग की इस कार्रवाई से राशन के दुकानदारों में खलबली मच गई है। खाद्य पूर्ति अधिकारी रवि सनवाल के बताया कि शासन के निर्देश के बाद अप्रैल माह से ऑनलाइन राशन बांटा जाना है, लेकिन कुछ दुकानदार लापरवाही बरतते हुए ऑनलाइन राशन ना बांटते हुए मैन्युअली राशन बांट रहे हैं, जिसकी शिकायत आने पर ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। खाद्य पूर्ति अधिकारी का कहना है कि सभी दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि अब से राशन का वितरण ऑनलाइन करें, नहीं तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो सस्ता गल्ला दुकानदारों ने जहां ऑनलाइन राशन ना बांटकर ऑफलाइन राशन बांटा, जिसके चलते उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ा। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जे जे एन न्यूज़, क्योंकि जे जे एन न्यूज़ में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।